मित्रों, चल रही यात्रा की एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अतिथि देवो भवः, इसकी जो पुष्टि है आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। पूजन से पूर्व जब मोहरी वादक मैया की सेवा में अपने वाद्य यंत्रों के साथ जब पधारते हैं, तो उनके रहने से लेके खान पान हर एक चीज का ध्यान हमारा पटेल समाज करता है। जी हाँ, वही पटेल समाज जो मुख्य पुजारी होता है, जिनके देख रेख में पूरा मैया की वह यात्रा आयोजित होती है। वो खाने में क्या खाते हैं, चाहे सुबह हो शाम हो, पूजा वाले दिन और पूजा के बाद वाले दिन, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आप देखने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ वापस बने रहिए। मित्रों, हमारे मोहरी वादक के लिए बिल्कुल अलग चूल्हे की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर सुबह में इन्हें घर में पाले हुए देसी मुर्गे का सब्जी, चावल दाल और पेय पदार्थ में जो ये पारंपरिक तरीके से चावल की जो पेय पदार्थ लंदा बनती है उसका उपयोग करते हैं, और पेड़ से यानी सल्फी पेड़ का रस और महुआ, ये सारी चीज़ें ये यात्रा से पूर्व पटेल समाज के द्वारा इन्हें आभार व्यक्त हेतु परोसा जाता है। आप वीडियो में देख रहे थे, बिल्कुल अलग सी व्यवस्था, हरे हरे पत्तियों से एक गोलाकार घेरा डालकर चूल्हा और उनके खाने की व्यवस्था आप देख रहे थे। यही है इनकी धनी संस्कृति का एक बेजोड़ अंग। आप लोग कितना साल, कितना पीढ़ी से दादा आप लोग बजा रहे हो, कितना पीढ़ी से बजा रहे हो दादा आप लोग, कितना साल से? पीढ़ी कैसे जाने, मतलब कितना, फिर भी एक पीढ़ी से बजा रहे, एक पीढ़ी से बजा रहे हम लोग। भाई नाम, दो भाई हैं। दादा का नाम लक्ष्मी बघेला है। कितना पीढ़ी से दादा आप लोग? हम लोग एक पीढ़ी से बजा रहे हैं, शुरू से बजा रहे हैं। शुरू से बजा रहे हैं आप लोग। दादा जैसे बोलते हैं, जब तक मोहरी बाजा नहीं होगा, माता का यात्रा नहीं होगा। नहीं, मोहरी बाजा का बहुत महत्व है। आप लोग बाजा बजाएंगे ना, तो बाजा बजेगा तो माता भी चढ़ेगा, देवी देवी भी, देवी देवता का देवी देवता भी संग संगत में रहेगा। ठीक है, आपका सुनना।